प्रदेश में डेंगू मलेरिया और टीबी रोग के प्रति जन जागरूकता के लिए अब बच्चों का सहारा लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा एक कॉमिक बुक का निर्माण किया गया है। इस कॉमिक बुक का विमोचन स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा किया गया है। कॉमिक बुक को विभिन्न स्कूलों में बांटा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के संचारी रोग के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह और उनकी टीम ने विभिन्न शोध पत्रों व रिपोर्ट के माध्यम से यह आकलन किया है कि अगर स्कूल जाने वाले बच्चों को कॉमिक बुक के माध्यम से जागरूक किया जाए तो यह जागरूकता हर घर में पहुंचने में आसानी होगी। बच्चों के माध्यम से घर के बड़े लोगों में डेंगू नियंत्रण गतिविधियों, टीबी और मलेरिया रोगों से बचाव व उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है खुद जागरूक हों, सभी लोग अपनी जागरूकता से घर में इस तरीके की जगहों को साफ करें और डेंगू के मच्छर को पनपने ना दें। यही मूल मंत्र है डेंगू को रोकने का। तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये सोचा गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि हम किस तरीके से इसको एक्सेस करें। तो ये है कि देखिए, अगर घर में हम बच्चों को जागरूक करेंगे तो बच्चे बड़ों को जागरूक करेंगे और जागरूकता बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रसारित होगी। तो इसी माध्यम से एक सोचा गया कि एक कॉमिक बुक का निर्माण किया जाए जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, और उनके थ्रू ये जानकारी घर वालों तक, बड़े लोगों तक पहुंचे और सब लोग जो है इस जन आंदोलन में शामिल हो सकें।